ट्विटर सीईओ की कुर्सी पर इलॉन मस्क ने अपने कुत्ते को बैठाया, बताया दूसरों से बेहतर। इलॉन मस्क पिछले साल ट्विटर खरीदने के बाद इसमें लगातार बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने पहले यह भी बताया था कि उनको नए ट्विटर सीईओ की तलाश है, यानी वो अपना सीईओ पद छोड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने नए ट्विटर सीईओ की घोषणा कर दी है। हालांकि नया ट्विटर सीईओ कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता है। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट कर बताया है, ये मस्क का पालतू कुत्ता फ्लोकी है। मस्क ने ट्वीट करके ये भी बताया है कि ये दूसरे लोगों से अच्छा है। आपको बता दें कि मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर डील पूरी करने के बाद पराग अग्रवाल को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। केवल ट्विटर के पूर्व सीईओ ही नहीं बल्कि ट्विटर की लीगल हेड विजया गद्दे और सीएफओ नील सेगल को भी कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दूसरी फोटो लेकर मस्क ने लिखा है कि ये नंबर के साथ बहुत अच्छा है, जबकि तीसरे फोटो में मस्क ने अपने कुत्ते के स्टाइल वाली फोटो डालकर उसकी प्रशंसा की है। खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट को लगभग 1 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्वीट को मजाकिया तौर पर देखा जा रहा है। मस्क ने अपने शिवा इनु डॉग की कुछ फोटो भी पोस्ट की है। फोटो में उनका कुत्ता सीईओ की चेयर पर बैठा नजर आ रहा है। इसके अलावा उसने एक ब्लैक कलर का स्वेटर पहन रखा है। इस पर सीईओ लिखा है कि उसके सामने टेबल पर ट्विटर सीईओ को लेकर डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है। इसमें पॉ प्रिंट्स भी दिख रहे हैं। उसके टेबल पर एक छोटा सा लैपटॉप भी मौजूद है जिस पर ट्विटर का लोगो बना हुआ है। इलॉन मस्क ने फ्लोकी की दूसरी फोटो भी शेयर की है। दूसरे फोटो में उसने टाई भी लगा रखी है और उसके टेबल पर कई डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं।